होलाई भी न गे तेनी भाई भी न गे, लाई भी न गे तेनी भाई भी न गे, हो मैंने मार दा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, चिम टूटे अंबर तू तारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, चिम टूटे अंबर तू तारा। भरतराज शर्मा है मेरे साथ और हमारा काम है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं उनसे आपको मिलाना। तो हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, आप अपना काम पूरा कीजिए उन्हें बेस्ट विशेस देकर, और जिस तरह से अगर आपको उनका गाना पसंद लगता है तो ज़रूर जो है उनके लिए अपनी बेस्ट विशेस देने के साथ साथ जो है लाइक और सब्सक्राइब भी जो है वो करते रहे। तो भरतराज शर्मा है, रियासी विलेज खोड़ी से जो है बिलोंग करते हैं, जहां पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो बन चुका है और वो आपने देखा है कि कुछ ही देर में जो है लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन सुना है कि इनकी आवाज़ जो है वो बहुत सुरीली है, तो सबसे पहले जो है कुछ गाने की शुरुआत करते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स जो है उन्हें भी मज़ा आए। तो भरत, अपना सबसे पसंदीदा गीत जो है वो आप सुना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू बुलेटिन का। मेरा फेवरेट सॉन्ग है सबसे बड़ा, लाई बिना गई तेनी भाई बिना गई मैंने मार दा जहान मैनू सारा। बॉलीवुड के स्टार है सुखविंदर सिंह जी, उन्होंने गाया है। मैं कोशिश करूंगा कि सबको अच्छा लगे। हो गे तेनी भाई भी न गे, लाई भी न गे तेनी भाई भी न गे, हो मैंने मार दा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, चिम टूटे अंबर तू तारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, चिम टूटे अंबर तू तारा, लाई भी न गे तेनी भाई भी न गे, हो मैंने मार दा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, चिम टूटे अंबर तू तारा। हो सच्चा रब राखा मुँह मोड़ जान वालिए, सच्चा रब राखा मुँह मोड़ जान वालिए, दिल लेके मेरा दिल तोड़ जान वालिए, तोड़ जान वालिए, हाय दिल टूटिया ना जुड़े दोबारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, चिम टूटे अंबर तू तारा, सोनिए 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 हनु। यही सॉन्ग आपका फेवरेट क्यों है, क्या इसके पीछे की कहानी हम भी जान सकते हैं? ये सॉन्ग है जब मैं मतलब बचपन ही था हमारा, तो थोड़ा छोटा ही था, तो तब ये मैंने मतलब गाया था सॉन्ग और मुझे अच्छा लगा था। रेडियो में सुनते थे पहले हम सॉन्ग, तो काफ़ी पहले का सॉन्ग है, अभी मेरी 23-24 वर्ष एज हो रही है, तो तब सुना था, बहुत अच्छा लगता था। इसमें मतलब ऐसे सब सॉन्ग्स में फील होती है, इसके साथ थोड़ा मेरा रिलेशन ऐसे लगता था कि मतलब कुछ दिल लगावे सॉन्ग्स के साथ, ऐसे महसूस होता था। तो दिल टूटने वाला तो कोई चक्कर नहीं है? नहीं नहीं, दिल टूटने वाला चक्कर नहीं है, दिल टूटते भी रहते हैं, दिल कट मतलब दिल की बात नहीं कीजिए मैम। दिल जो होता है ना, कि मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ दिल के ऊपर, आपने दिल की बात छेड़ी कि आज का वक्त है दिल तोड़ना, मतलब दुनिया का दस्तूर है कि आज का वक्त है दिल तोड़ना, दुनिया का दस्तूर है, हर एक शख्स कला से कम दिल टूटने से ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, चलिए इसके साथ साथ इनके ज़िंदगी का सफ़र में जो है ये भजन भी गाते हैं, तो कौन सा भजन है, उसकी 4 लाइनें सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा रिसेंटली अभी भजन आया है, डोगरी भजन है, मैया दे द्वारे चल भगता, जिसमें जम्मू का नाम भी गाया है मैंने, उधमपुर का भी गाया है, रियासी का भी गाया, किश्तवाड़ का भी गाया है,
स्टार्ट में, तो वो भजन मैं आप सभी से कहूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल है भरत राज शर्मा, मतलब आप सभी मतलब उसको सपोर्ट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। पहला मेरा भजन था सपना चंडी में ज़्यादा, जिसको 1 मिलियन के आसपास लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, 1 ईयर्स के अंदर मतलब 6 मंथ के अंदर हो गया था। तो अभी जो रिसेंटली भजन आया 6-7 दिन हो रहे हैं जी बिल्कुल। बागे को यल बोले ते गीत मैया देगा, जम्मू रे असी उधमपुर किश्तवाड़ तो यात्रा चलिया, ते दर्शन मिंदले अली दे पाए, मैया दे द्वारे, मैया दे द्वारे चल पगता हो, मैया दे द्वारे चल पगता हो, मैया बंड दिए, मैया बंड दिए सुख ही सुख हो, मैया दे द्वारे, मैया दे द्वारे चल पगता हो, मैया दे द्वारे चल पगता। जब मेरी आपसे बात हुई आपने कहा कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि आपको आपकी स्टडी क्विट करनी पड़ी, तो जान सकती हूँ वो क्या था? हाँ जी बिल्कुल, पहले स्टार्ट से मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा एक छोटा सा गांव है, अभी वहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज बन रहा है, लेकिन वो भी हमारे से मतलब नॉर्मली 10 किलोमीटर दूर है, सामने है बिल्कुल स्पेस में, और मेरे गांव का नाम कोड़ी है, उधर छोटा सा हिस्सा पड़ता है, पार्ट पड़ता है, उधर रहता हूँ मैं। तो स्टार्ट से मतलब पॉवर्टी से बिलोंग था, हमारी फैमिली जो थी बहुत ज़्यादा, मेरे फादर साहब हैं उनको पैरालिसिस हुआ है, 9-10 साल हो गए, तो सबसे फैमिली में बड़ा मैं ही हूँ, तो मेरी 4 सिस्टरें थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कैसे मतलब से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेरेंट्स की ब्लेसिंग होती है, अपने पेरेंट्स दिखते हैं पास तो इंसान में हौसला आता है वर्क करने का, और सबका योगदान रहता है। कहते हैं कि जब घर में दरवाजे बंद हो जाएं तो इंसान का सारे इरादे टूट जाते हैं, लेकिन माँ बाप घर में हों तो मतलब सब इरादे फूले फाले रहते हैं, इंसान के अंदर 1,00,000 दर्द भी होंगे भूल जाते हैं। माँ बाप से ऊपर किसी का दर्जा नहीं है और माँ बाप से ऊपर किसी का ओहदा नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल 100% मानता हूँ, और उसी की वजह से जब फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पर पड़ी तो उस चीज़ को देखकर मुझे स्टडी को मतलब स्टॉप करना पड़ा, वो भी मैंने अभी की है स्टडी स्टॉप। फैमिली के मतलब जितने भी मतलब मेरे पास ऊपर मतलब प्रेशर्स आते रहे, मतलब लेके मतलब फैमिली को लेके मतलब कैसे अडॉप्ट करना है, मतलब क्या क्या सर्वाइव कैसे करना है, आपको पता है कि सोसाइटी में इतनी महंगाई है कि इंसान वर्क नहीं करेगा तो उसका रोजी रोटी बंद हो सकती है, 2 वक्त का खाना भी। अस फिर रखने ना से शाना करने से डोगरे हैं, तो फिर कोई डोगरी गाना नहीं सुनाए तो किस सुनाए? बिल्कुल मैम जी बिल्कुल तुंदी गल बिल्कुल लख धन्यवाद। डोगरी असें डोगरी आखने शाने कने असें जीतियां ने जंगा कमसाने कने, बिल्कुल जड़ा मतलब पंक्ति है बड़ी शैल कुसै ने लिखी दी है, ते डोगरी जिन्ना भी साढ़ा मतलब ये सोर्स रहा मैं डोगरी बिच्च ही भजन गाए दे, पहले मैं डोगरी बिच्च भजन गाया तुसें में ओदियां 2 लाइनां सुनाना चाहना कि जिसी मिलियन आप लोगों ने मतलब प्यार दिते दा है, सुते दे राती मिगी सुपना जाया मिंदल में चले यात्रा लगी जी गई हो, वो फेमस बीट है जेहड़ी रुल दिया कुल्ला बल लई हो लेनी, मतलब साड़ी जम्मू की कंपोजिशन ही कटड़ उतरिया है नूहे बछड़ उतरिया है ओहदे उपर है, ते तुसें में सुनाना चाहना अपने भजन दी 4 लाइनां डोगरी है, सारे प्यार दिते दा डोगरी है, नैक्सट भी भजन भी ताइयें मैं डोगरी लेई आया। सुते दे राती ओ मिगी सुपना जे आया, मिंदल मचेल यात्रा लगी जे गई ओ, तेरे के दर्शन होंगन सोचिए पेई मेरी, तेरे के दर्शन होंगन सोचिए पेई मेरी, पल्ले नी ते लौकिया जाना ओ, पल्ले नी ते लौकिया जाना ओ, जे मेरे भजन की लाइनें हैं। चले जाते हुए आपसे एक मैसेज लेना चाहूंगी, किस चीज़ की कमी लगी अगर आप गायक हैं, अच्छा गा लेते हैं, क्या लगा किस चीज़ की कमी है जो अभी जो है, क्या भरपूर प्लेटफॉर्म नहीं है या सपोर्टर्स की कमी है या स्पॉन्सर्स की कमी है? मैं आपके मतलब जम्मू बुलेटिन के माध्यम से एक ही मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म की तो जम्मू में बिल्कुल कमी है, 0% प्लेटफॉर्म है जम्मू में, प्लेटफॉर्म है ही नहीं, कहाँ है जम्मू में प्लेटफॉर्म, जितने भी सिंगर्स हैं सब जागरण करके गुजारा कर रहे हैं,
अभी एक रिसेंटली अभी हुआ है एपिसोड हुआ है जिसमें डोगरें दी शान, शायद उसमें अभी लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानता नहीं हूँ कि उसके ओनर कौन हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा मैंने जब घर से देखा। उसमें मैं हिस्सा नहीं ले सका, मुझे फैमिली की थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, हमारे घर में डेथिस वगैरह हुई थी पहले, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बाहर था, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, शरीर की थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे, उसकी वजह से मैं तब नहीं हिस्सा नहीं ले सका। और वो प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें डोगरी बंदों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बस वही प्लेटफॉर्म मुझे अभी तक लगा। वरना जागरण वगैरह करके किसी के घर में लाइव शो, मतलब नॉर्मली जहाँ पे लोग लाइव शो भी करवाते तो बाहर के बॉलीवुड सिंगर्स बुलाते हैं, पंजाब के सिंगर जिसका एक गाना गाल नहीं कटनी जाए, ऐसे गाने हो गए, उल्टे सीधे गाने हो गए, वो गाने फैम मिल जाता है उनको। आपको पता है कि यूट्यूब आज प्रोमो देता है, जैसा मर्जी बंदा घटिया भी गाएगा तो वो अपने मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ कर सकता है। लेकिन एक जम्मू वालों से एक ही मैसेज है कि भाई घर दी मुर्गी दाल बराबर, अगर घर जो मुर्गी है खाने वास्ते तो घर दी मुर्गी खाओ, चाहे उल्टा गांदे सीधा गांदे उनका स्वाद लियो। तुसें यह नहीं लगता कि मक्की का ढोडा तुस लेने ही उधर जंदे अपने पंजाब जंदे हो, जाओ पंजाब लेइए आओ सरयां दे साग दे कन्ने मक्की का ढोडा। एदी इंस्पायरेशन सबसे सारे कोला बड़ी इंस्पायरेशन है रमालू राम जी ते सस भारती दीदी, जेड़े साढ़े जम्मू की शान, मतलब उन्हें दिखी असें बड़ा एक मतलब फील होता सारी। जम्मू वाले चुकी रखते तलियां ऊपर, जम्मू वाले तो उन्हें प्यार के बड़ा कर देना। जम्मू वाले प्यार बिल्कुल करना पौंदा है, अगर उन्होंने ऐसी मतलब चंगी इन्नी शैल शुरुआत की, उतों बाद वर्षा दीदी हुई, सोनाली दीदी हुई, सारे को मतलब कोशिश कर रहे, सारे ने मतलब शैल उन्हें भी बड़ा स्ट्रगल किया। भारत राज जी ये मत सोचो कि रातों रात तो स्टार बनिए, स्ट्रगल बड़ा किया उन्हें। स्ट्रगल करिए मैम, स्ट्रगल करिए बंदा चमकता है। एक मतलब सुनार होंगे वो सुनने के टुकर आंदा था, वह कटिए मतलब महीना लाइए तो गहने बनते, तो फिर शैल गहने लाइए जाए बंदा। तो ना सोचो कि रातों रात का तुस ना लै दे, जेने उन्हें बड़ा स्ट्रगल किया, छोटी उम्र को घरों स्ट्रगल करना शुरू किया, अज बाहर उन्हें ना कमाया। बिल्कुल ये गल सुनाना मैंने, उन्हें स्ट्रगल किया मतलब जेडे सारे रमालू राम सर हो रहे उन्हें स्ट्रगल किया, आज उनकी एज इन्नी ज्यादा हुई थी, मतलब वो मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है, मतलब उन्हें इन्ना इंस्पायर किया, मतलब एक मतलब उन्हें अपने आप ही मतलब खुद मतलब कोशिश की है। लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी उल्ले भी थी, अगर उल्ले प्लेटफॉर्म होता था आज पता नहीं कितनी मतलब बॉलीवुड एक डोगरा बॉलीवुड सिस्टम होना हा। चलिए तो भारत राज शर्मा जी, तुसें ये गल उपर जड़े लोग जरूर गौर करगे ते कने गल तो सुन लो, हर एक चीज़ जड़ी है स्ट्रगल करिए चमकदी है, सोना भी अग जे तपी तपिएगा सोना बनता, फिर गए तुस लोग लांदे हो। चलो इन भी गल सही होनी, इन गल भी अगे पहुँचाओ कि साढ़े को प्लेटफॉर्म की कमी है, तो अगर प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है तो इन्हें भी कभी मौका दो, उन्हें भी कभी गाना गवाओ, डोगरी बड़ी शैल गाँव अपनी डोगरी सपोर्ट करना, जो डोगरी बोलते क्योंकि अस शाना करने आखने अस डोगरे तो असें डोगरे अगे ले जाना, तो इन्हें भी तुस अगे ले जाना। अगर तुसें इंदा गाना बड़े शैल लगे, आवाज़ बड़ी शैल लगी तो इन्हें ब्लैसिंग जरूर दियो कमेंट बॉक्स च, रियासी के रहने वाले रियासी के लोग मता मता इन्हें प्यार दो, तो कियां लगी है गलबात ये तुस जरूर दसना सही साढ़े चैनल के माध्यम उपर, तो ही और भी अपडेटा लिए तुसें जो सा जम्मू बुलेटिन ही सबसक्राइब कर लो ताकि तुसें तक और भी अपडेटा पुजदियां रहन।